गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 4। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज है कौन सी, 4.3। स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे हमने लास्ट टाइम अपनी इक्वेशन सॉल्व करी थी, हम इसे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सीखते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। सिंपल तरीके से यानी अगर हम फर्स्ट मेथड लें, फर्स्ट मेथड क्या है, 2i प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 37 अपॉन 2। हमें पता है ये हमारी वेरिएबल जो है इसे यही रखेंगे और न्यूमेरिकल वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे। इधर लेके जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 37 अपॉन 2, इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस 5 अपॉन 2। सभी बच्चों को एलसीएम लेना बहुत अच्छे से आता होगा। 237 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 32 अपॉन 2। क्लियर, आगे बढ़े, इतना सबको समझ में आ रहा है। 32 को डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 2 6 12 किसके बराबर आया, 2y के। तो y बराबर कितना होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 16 अपॉन 2। दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आया हमारा, 8। क्या आया, 8। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है हमारा, देखिए हमारी इक्वेशन ऊपर चली गई है, हमें बुक में से देख लेते हैं क्या है, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसका मेथड क्या है, क्या फर्स्ट स्टेप याद आ गया होगा सभी को, यह स्टेप फर्स्ट लिख लीजिए। क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट 5/2 बोथ साइड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2y प्लस 5/2। सब्सट्रैक्ट क्या करना है, माइनस क्या करना है, 5/2 इज इक्वल टू 37 अपॉन 2 माइनस के 5/2। ये हमारा कट गया, ये प्लस का है माइनस का है, क्योंकि तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका एलसीएम हमने लिया था, इसका एलसीएम हमारा क्या आया था, देख लेते हैं हम ऊपर क्या आया था, 16 आया था ना, इसको सॉल्व करके 32 अपॉन 2, चलिए लिख लेते हैं, 32 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया था, 16। क्या इक्वेशन बनी हमारी, 2y इज इक्वल टू 16। स्टेप सेकंड क्या लिखेंगे, स्टेप 2 क्या, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2, यानी 2y अपॉन में 2 डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 16/2। 2 से 2 डिवाइड हो गया और इससे ये डिवाइड हो गया, क्या आ गया, 8। तो हमारा y बराबर क्या आया, 8। आप देखिए मेथड फर्स्ट में भी 8 आ रहा था, मेथड सेकंड में भी 8 आ रहा था। मेथड फर्स्ट जो हम करते हैं और सेकंड जो मेथड सेकंड था वो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, क्लियर है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसी से आप सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप ये क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ सभी बच्चों ने बोर्ड मार्क्स पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम बोर्ड मार्क्स मत लगा लेना कि मैम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है,
ब्रैकेट सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपका वेरिएबल है और ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो 2x प्लस 2 फॉर द 8 = 12। अब हमारी सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, जैसे कि इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट एट बोथ साइड, सबस्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 8 माइनस 8 इजिकल टू 12। माइनस के 8, दोनों बोथ साइड हमने 8 सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसे 8 से डिवाइड हो गया, 2x बराबर कितना बचा हमारा 4। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2, यानी 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, x बराबर क्या बचा, क्लियर है, आगे बढ़े, इजी है, इसी तरीके से बाकी करने हैं। देखिए जैसे आपको नेक्स्ट में भी दे रखा है, मैं इक्वेशन बना देती हूँ नेक्स्ट के, एक बार इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, 3 दे रखा है n माइनस के 5 इक्वल्स टू 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की इस ब्रैकेट में, 3x माइनस के 3 5 15 इजिकल टू 21। अब तो सिंपल हो गया, अब तो आपको सिंपल स्टेप के द्वारा करना है, या फिर जैसे फर्स्ट मेथड बताया था वैसे भी कर सकते हो, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। देखिए सेकंड मेथड से समझा दो इसे, चलिए इसे सेकंड वाले को सेकंड मेथड से समझा देती हूँ मैं। कैसे, सेकंड मेथड में हमने क्या करा था, जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो इधर रखेंगे और जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो इधर ले जाएंगे, 21 के पास माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, प्लस के 15 प्लस कर देंगे, कितना आ गया 36। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएगी, 36 अपॉन 3 डिवाइड कर दो 12। ये सेकंड मेथड से करा है, ठीक है। इसमें क्या यूज करना है हमें, प्लस में है तो माइनस में लेके जाएंगे, माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, आपको जो मेथड ज्यादा अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना, ये आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 4 इज इक्वल टू 5 पी माइनस के क्यू, पी माइनस के 2 शायद, हाँ ठीक है। देखिए ये कुछ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन को सिर्फ घुमा रखा है, 4 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 पी माइनस के 5 टू जा 10, ठीक है, 5 टू जा 10, क्लियर है, 5 टू जा 10 हो गया। अब आप जैसे पहले करते थे ऐसे कर लीजिए, क्या ये इधर माइनस में इधर, मतलब कि स्टेप फर्स्ट लिख लीजिए, कैसे, स्टेप फर्स्ट एड 10 बोथ साइड, तो क्या आ गया, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 पी माइनस 10 प्लस 10, प्लस माइनस कट गए और ये आपका क्या हो गया, 14 इज इक्वल टू 5 पी। स्टेप 2 डिवाइडेड बोथ साइड बाय 5, 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ गया, 14 बाय 5 इज इक्वल टू 5 पी अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, p बराबर क्या बचा आपका, p बराबर 14 अपॉन 5, ठीक है।
समझ में आया सभी को? ठीक है, इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन करने हैं, आप कर लोगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए, क्या बोला गया है? कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विद एक्स इज इक्वल टू टू। देखिए इसमें हमें करना क्या है, हमारी मर्जी हम कोई भी इक्वेशन बनाए, लेकिन जब हम उसमें x बराबर 2 रखें तो वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, यानी LHS बराबर क्या हो हमारा, RHS हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखोगे, टेन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 22। ठीक है, इक्वेशन टू, ऐसी ही कोई इक्वेशन लिख लीजिए कोई भी, जैसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा LHS बराबर क्या आएगा, RHS। और लास्ट हमारी जो इक्वेशन है क्या होगी, इक्वेशन थर्ड 5x प्लस 3 सॉरी क्या हो जाएगा 30। ऐसे ही आपको इक्वेशन बनाने हैं, इसके पार्ट बी में वो आपके लिए होमवर्क है। कोई भी तीन इक्वेशन बनाइए, बस ध्यान रखिएगा जब हम उसमें 2 की वैल्यू रखें तो वो हमारी सेटिस्फाई हो। देखिए ये हमारी सेटिस्फाई है, अगर इसमें हम 2 रखेंगे 5 × 2 = 10 और 3 × 13 = 13, ऐसी ये तीनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होंगी। तो ये एक्सरसाइज हमारी यही खत्म होती है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।